नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल और आप देख रहे हैं बैतूल जिले का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल ताप्ती अर्जुन। आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल चिचंडा रेलवे स्टेशन के समीप पटरी से उतरी मालगाड़ी, नागपुर इटारसी ट्रैक ढाई घंटे रहा बंद। बैतूल में तीसरी लाइन पर ट्रैफिक बढ़ने से ट्रेनें लेट, अब मेन लाइन से आवागमन को किया गया है प्रारंभ। बैतूल में नागपुर इटारसी रेलवे लाइन पर एक मालगाड़ी के दो डिब्बे कल पटरी से उतर गए। इसके बाद तुरंत ही आंवला और नागपुर से टीमें मौके पर पहुंची और काम शुरू किया गया। करीब ढाई घंटे तक अब ट्रैक बंद रहा। तीसरी लाइन से ट्रेनों को इटारसी की ओर निकाला गया। तीसरी लाइन पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण कई ट्रेनें भी लेट हुई। फिर मेन लाइन से आवागमन को प्रारंभ किया गया। बैतूल में डीरेल मालगाड़ी में ट्रेन की पटरियां भरी थी। बुधवार सुबह करीब 11 बजे चिचंडा रेलवे स्टेशन के पास अब ट्रैक पर एक डिब्बा पटरी से उतर गया था। दोपहर करीब 12:30 बजे जैक मौके पर पहुंचाया गया और 1:45 बजे के करीब ट्रैक से डीरेल हुई ट्रॉली को पटरी पर वापस लाया गया। इसके बाद ट्रैक की जांच की गई और यूआर ट्रेन को निकाला गया। डिब्बा कैसे डीरेल हुआ, इस संबंध में रेलवे के अधिकारी फिलहाल कुछ भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। पिछले 15 दिनों में यह दूसरी बार है जब मालगाड़ी चिचंडा के पास डीरेल हुई है। बैतूल हमलापुर क्षेत्र में दो युवकों को पुलिस ने गांजे की तस्करी के दौरान पकड़ा, जब्त किया 7 किलो 420 ग्राम गांजा। जिला मुख्यालय के हमलापुर क्षेत्र में दो युवकों को पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए पकड़ा। आरोपी दो बैग में गांजा भरकर डिलीवरी देने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने दोनों बैग से 7 किलो 420 ग्राम गांजे को जब्त किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गंज थाने के TI AB मर्सकोले ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि हमलापुर निवासी दीपेंद्र हारोड़े और शशांक कुमरे निवासी अर्जुन नगर गांजे की तस्करी कर रहे हैं। दोनों आरोपी बैग में गांजा लेकर खड़े थे, इसी दौरान पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, तभी पुलिस ने दोनों को पकड़ा, बैग चेक किए जिसके बाद उसमें गांजा निकला। आरोपी दीपेंद्र के बैग से 3 किलो 900 ग्राम और शशांक के बैग से 3 किलो 520 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आपको बता दें कि गांजे की कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बैतूल कल महिला कांग्रेस ने किया FIR का विरोध। बैतूल SP श्री सिद्धार्थ चौधरी को ज्ञापन सौंपकर प्रकरण वापस लेने की करी मांग। बैतूल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर आमला में की गई FIR के विरोध में कल महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैतूल SP को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में खात्मा काटने की मांग की है। महिला कांग्रेस ने इसे झूठी FIR बताते हुए उसे वापस लेने को कहा है। जिला महिला कांग्रेस ग्रामीण और शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में कल बैतूल के SP ऑफिस पहुंचकर महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैतूल SP को जानकारी दी और बताया कि सड़क की मांग को लेकर आमला के बोरी में NSUI कार्यकर्ताओं के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था। इसके बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा फर्जी तरीके से कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है, जिसका महिला कांग्रेस विरोध करती है। उक्त आंदोलन में NSUI कार्यकर्ताओं के साथ महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता भी शामिल थी। NSUI कार्यकर्ताओं पर दर्ज की गई FIR एवं महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर दर्ज की गई FIR को तत्काल वापस लेने की मांग बैतूल SP श्री सिद्धार्थ चौधरी से की गई है। मुल्ताई समीपस्थ ग्राम निम्बोटी में बुधवार को आम तोड़ने गए ग्रामीणों पर मधुमक्खी ने किया हमला। 5 ग्रामीण हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। दोनों को बैतूल के जिला चिकित्सालय के लिए किया गया था रेफर। प्रभातपट्टन ब्लॉक के ग्राम निम्बोटी में कल बुधवार को आम तोड़ने गए ग्रामीणों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इससे 5 ग्रामीण घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। निम्बोटी की सीमा में स्थित खेत में आम तोड़ने सेमरिया निवासी मंगल बिझाड़े, मंगल पिता अंतराम बिझाड़े, नीलेश पिता मंगल बिझाड़े, हर्षिता पिता रामदास बिझाड़े,
उमेश पिता धर्मा उइके एवं 4 वर्षीय देवा पिता देशराज मिंझाड़े के साथ गए हुए थे। आम तोड़ने के दौरान अचानक मधुमक्खियों ने इन सभी पर हमला कर दिया। सभी लोगों ने मधुमक्खियों से बचने का प्रयास किया, लेकिन बचाव का कोई साधन समीप नहीं था, जिसके बाद सभी लोग घायल हो गए। उक्त लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने देखा। उसके बाद सभी को मधुमक्खियों से बचाया गया। किसानों ने यह घटना एम्बुलेंस के कर्मचारियों को बताई, जहां मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। बैतूल उड़दनगांव में मिट्टी खदान धसी। खदान धसने से एक महिला हुई गंभीर रूप से घायल। उपचार के लिए महिला को लाया गया बैतूल के जिला चिकित्सालय। फिलहाल है भर्ती, उपचार है जारी। बैतूल मुस्कान योजना की गतिविधियों का जायजा लेने कल 2 सदस्यीय टीम पहुंची बैतूल के जिला चिकित्सालय। किया मुस्कान योजना के बारे में पूरा विश्लेषण। इसके दौरान की गई एक्टिविटीज का लिया जायजा। मुल्ताई बिरुल मार्ग अंतर्गत पेट्रोल पंप के पास हुई सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना में नगर के एक चिकित्सक हुए घायल। अस्पताल में घायल का कराया जा रहा है इलाज। फिलहाल अस्पताल में है एडमिट। आमला डोडावानी गांव का मामला। खेत की मेड़ की बात को लेकर महिला को 3 लोगों ने पीटा। 3 लोगों से मारपीट के बाद महिला हुई घायल। पहुंची आमला थाने में शिकायत दर्ज कराने। पुलिस ने महिला का कराया मेडिकल। आमला की खेड़ली बाजार में अवैध रूप से शराब बेच रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आबकारी एक्ट के अंतर्गत मामला किया गया दर्ज। अवैध रूप से बेची जा रही शराब को किया जब्त। सानी में टाइगर की मूवमेंट के चलते सर्चिंग के लिए वन विभाग ने बनाई 60 टीमें। लगाए गए कैमरों में कैद नहीं हुआ टाइगर। शाहपुर भयावाड़ी गांव में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्रों का कल किया गया वितरण। प्रमाण पत्र वितरण के लिए लगाया गया था शिविर। शिविर में बड़ी संख्या में महिला हितग्राहियों ने लिया भाग। घोड़ाडोंगरी नगर परिषद घोड़ाडोंगरी में करीब 1,78,00,000 रुपए की लागत से होगा विकास कार्य। जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्य का कल किया गया आरंभ। भैंसदेही शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। भैंसदेही थाना प्रभारी ने कहा, अब अपराधियों और असामाजिक तत्वों को पकड़ने में मिलेगी सफलता। आठनेर ग्राम हिवरा के प्राचीन अंबादेवी मंदिर में कल की गई विशेष रूप से पूजा अर्चना, साथ ही महाआरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। तो ये थी बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। मिलते नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बैतूल जिले की अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।